मेरे कोई ना रे मेरे आगे पीछे बैठ कुछ ना यार मैं काली आग रह गया तेरे कुछ नहीं पूरे मामले को दबाने में लगी है। क्या लगता है अब विपक्ष क्या इस पर भूमिका निभाएगा? सरकार चुप है लगातार। देखिए भिवाड़ी में अभी कुछ समय पहले हरीश नाम के युवक को जाति विशेष के लोगों ने एक राय होकर के मारा था। पुलिस पहले भी इस मामले को दुर्घटना का रूप देना चाह रही थी और वहाँ पे माननीय विधायक महोदय ने जब बात उठाई उसके बाद आईजी लेवल के अधिकारी वहाँ आए थे और उन्होंने जाँच की थी और उसके बाद उन्होंने जांच के माध्यम से उस मामले को 302 के रूप में प्रवर्तित किया था और परिवारजन का मांग थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि समय निकलने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस ने अब तक नहीं करी और जैसा कि मुझे उनके बेटे ने भी बताया कि अपराधी वर्ग इस परिवार को लगातार धमका रहा था। उनके पिता को जैसा भी मैं अंदर कमरे में जब इनसे मिल रहा था तो इन्होंने बताया कि इनके पिता को धमकी दी जा रही थी कि इस मुकदमे को वापस लो वरना तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। परिवार बहुत ज़्यादा दबाव में था और आज बहुत दुखद विषय है कि हरीश के पिता श्री ने सेल्फोस खा के आत्महत्या करी है। बीजेपी क्या स्टैंड लेगी और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो क्या पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए? देखिए बीजेपी निश्चित रूप से इस परिवार के साथ खड़ी है और हमने पहले भी मांग की थी, हमारे माननीय जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे पूर्व विधायक उन्होंने मांग की थी कि सीधे सीधे मॉब लिंचिंग का मामला है और जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी अब 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि हरीश चला गया, आज उसके पिता ने आत्महत्या की है, परिवार दबाव में है, परिवार को खतरा है जान का और चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, पुलिस के जो भी आला अधिकारी हैं चाहे वो किसी भी अधिकारी हो किसी भी स्तर का अधिकारी हो जिन्होंने इस जांच में नेगलिजेंसी बरती साथ ही साथ मुलजिमों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ भी इस आत्महत्या के कारण उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार से पिछले 8 महीने में दलित वर्ग पर अत्याचार इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है सरकार कोई ना कोई उचित कदम उठाए वरना भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी और इस विषय को लेकर के मैंने भी विधानसभा परिवार के साथ अब कब कैसे खड़े होंगे सर? परिवार के साथ हम पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आने वाले समय में परिवार को संबल देंगे। बातचीत करके इनको वापस टपुकड़ा भिजवाने की तैयारी करती है। पोस्टमार्टम जीएसएस अलवर में ज्यादा बेटर होता बचाए वहाँ होने के बजाय, लेकिन अब इनको वहाँ से इनको कर दिया गया, कन्विंस कर दिया है। कहीं नहीं लगता है कि पुलिस अब दोबारा इस मामले को दबाने में लग गई है? नहीं, मेरे को पुलिस अधिकारियों ने जो जानकारी दी है परिवारजनों ने और मैंने भैया से भी बात करी है, इन्होंने भी इच्छा जाहिर करी है कि पोस्टमार्टम टपुकड़ा में करवाएंगे और मैंने इनके परिवार में प्रधान है टीटू जी से भी मैंने बात करी है, उनका फ़ोन खुद का भी आया था, उन्होंने भी जाहिर इच्छा जाहिर करी है कि उन्होंने शायद वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको कहा है कि बॉडी को टपुकड़ा मंगवाया जाए और टपुकड़ा में ही पोस्टमार्टम करवाने की इच्छा इन्होंने जाहिर करी।